सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय प्रिया समसे ब्लॉग। तो आज गए हैं हम डायरेक्ट किचन में, आपको मिलाते हैं। यहाँ पे हम सारा कुछ कर चुके हैं, मतलब चोखा ही बना चुके हैं हम, मतलब जो हमारे जो सीक्रेट बनने वाला है ना, जो उसका हमने चोखा बना दिया। अब इसको देखते हैं इसका क्या बनाते हैं। आप हमारे वीडियो में ऐसे बने रहिए। तो हम बहुत दिनों बाद बना रहे हैं इसको, देखते हैं। चोखा बहुत टेस्टी बना है और देखते हैं, आगे लगे रहिए और आगे क्या बनने वाला है। तो यहाँ हम इसको साफ कर लेते हैं पोछ पाछ के थोड़ा। यहाँ हम बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने कुकर में रख दिया है छोले उबलने के लिए। सो हे गाइस, तो इतना सारा देखिए बन चुका है हमारा, और थोड़ा सा और है वो भी बनाना है, और हमने इतना बैटर बचा भी है। और कढ़ाई में तेल डाल दिया। और दीदी देख सकते हैं हमारे बेटे के लिए बन रहा है छोटू छोटू समोसा। तो ये हमारे गोद में बाबू मन यहाँ खड़ा है, तो ये खाएगा हमारा बेटा, ये हम लोग खाएंगे, है ना? ये खाओगे ना छोटे छोटे समोसा? तो पहले हम बनाएंगे अपने बेटे का समोसा। बाबू जरा गोद से उतरोगे? ओ माय गॉड, तो हमारे कुकर की सीटी हो चुकी है। फाइनली हम डाल देते हैं अपने बाबू का समोसा। तो ज्यादा गरम तेल नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद हम वो डाल देते हैं। तो यहाँ हम सब डाल चुके हैं और गैस को करते हैं स्लो स्लो, तो ये पकेगा। और तब तक यहाँ इतना रेडी कर दिए हैं, मतलब ये हम दो बार में बनाएंगे। और हमने कितना डाला हुआ है इसमें, दो दो चार दो छः, एक सात अपना डाला हुआ है और दो मेरे बेटे का है छोटे छोटे। तो देखते हैं हो जाने के बाद आपको दिखाते हैं। स्लो पे पकना है तो टाइम तो लगेगा ही। तो वीडियो पे हमारे ऐसे बने रहिए, और आगे हम क्या इसमें बनाने वाले हैं वो भी दिखाते हैं आपको। सो हे गाइस, तो एकदम पक चुका है हमारा ये समोसा, और देख सकते हैं यहाँ निकाल दिया। अब लगा लेते हैं हम प्लेट, और तब तक ये सारा हम फ्राई करते हैं, और जितना छना हुआ उतना हम प्लेट लगा के दे देते हैं पहले। सो हे गाइस, तो हम दे दिए हैं बाबू को अपने छोटू से समोसा। बाबू खा रहा, कैसा बना बाबू? हाय बोलो, आंश एक आवाज सुन, हाय 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 बोलो। मेरा बेटा बिना नहाए धोए अभी खा रहा है, अभी मालिश हुआ है, अभी नहाएगा, उसके बाद हाय बोल दो। एलला हाय बोलो, आंश हाय बोलो, हाय हाय बोलो, तब तक हम जाएंगे नहीं। हाय, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। तो कैसा बनाया गुनगुन नाना? तो ये अभी नहाई हुई नहीं है, तो ये देखिए खा लेता है बाबू मेरा, क्या करता है। अभी गर्म है, थोड़ा सा खा रहा है, थोड़ा सा रख दे रहा है। सो हे गाइस, तो यहाँ पे बन चुका है करीब करीब, और बस इतना बनाना और बाकी है। तो आज क्या बना रहे हो स्पेशल? समोसा है। तो कितने दिनों बाद बनना, मुझे लग रहा है लॉकडाउन के बाद नहीं बना ना तो इनको टाइम नहीं मिल रहा था, और मुझे ना गाइस मैं बता दूं कि ये बनाने नहीं आता, मतलब फोल्ड नहीं करने आता। सब कुछ मैं कर लेती हूँ, और सब कुछ मैं ही करती हूँ, सिर्फ ये फोल्ड करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम प्लेट लगा लिए, आप देख सकते हैं। तो ये प्लेट जाओ देखे, आ जाओ जी अनमोल को। तो ये जाते हैं, देखे आ जाते हैं, लोग खा लिए हैं। तो बाकी का ये जितना है अब मैं निकाल लेती हूँ। और गुनगुन बच गई है अभी, हमारी बड़ी लड़की, खाने को। तो इसमें हम लोग खा लेंगे, हो जाएगा। तो बस हमारे वीडियो पे ऐसे बने रहिए। सो हे गाइस, तो यहाँ पे हमारा हस्बैंड वाइफ का लग चुका है। यहाँ पे हम दोनों लोग लगा लिए अपना नाश्ता, और हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो देते हैं इनको नाश्ता, हम आवाज कम करो। और ये तो नहा ली है, ये बाबू मेरा देख सकते हैं खाया भी नहीं, पूरा तोड़ ताड़ के सब छीटा हुआ है, मुझे सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। तो चलो खा ली, उठ जाओ, जाओ नहा धो लो। ये तो मैडम नहा धो के खा रही हैं, और हम लोग चलते हैं खा लेते हैं। तो हे गाइस, तो फाइनली जो है हमारा समोसे के बाद छोले बन चुके हैं, और छोले समोसे हम लोग लगा के खा भी रहे, हमने लगा लिया और बच्चों को भी लगा के दे दिए, दिखाते हैं। तो यहाँ बच्चे लोग भी समोसे छोले पापड़ी लगा लिए हैं। तो कैसा लग रहा है, टेस्टी है बताओ? तो अच्छा लग रहा है बाहर के जैसा, एकदम गांव के जैसा। हाँ हाँ हाँ, तो तुम क्या खाओगे भाई? अंशु तुम क्या खाओगे? सो हे गाइस, तो यहाँ पे तो खाना पीना सब कुछ हो चुका है, और हम जिम जाके आ भी चुके हैं, और खाना पीना हो चुका है। अभी सब खा पी के जा रहे हैं सोने, और सब लोग सो गए हैं। और टाइम वो क्या रहा है, मतलब 11:30 हो रहा है। हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, और आप देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो सारा काम करने के बाद पूरा दिन इतना थक जाती हूँ, और टाइम भी नहीं मिलता मुझे कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो मतलब आपको दिखाती हूँ हम क्या कर रहे हैं। आपको टाइम दिखा देते हैं,
11:30 बज रहे हैं, एकदम परफेक्ट, देख लीजिए एकदम सीधा घड़ी दिख रहा है आपको। और फिर चलते हैं आपको हम किचन में लेके चलते हैं। तो किचन में आप देख सकते हैं हमने खाना वाना खा के बर्तन बर्तन धुल लिया है। और हम क्या कर रहे हैं, हमारा आज लाइटर भी ख़राब हो गया, तो देख सकते हैं गैस भी धुलने के बाद हम यहाँ पे घी बनाए। घी बनाने के बाद आज हम घी बना रहे हैं। तो घी इस बार ना हम घी गाय का घी बन रहा है, देख सकते हैं पीला पीला लग रहा है ना। तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है गैस, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे घी बन रहा है हमारा, तो घी बन जाएगा उसके बाद हम सोएंगे। और यहाँ तब तक हमारा बर्तन भी पानी निकल जाएगा तो हम थोड़ा स्टैंड में लगा लेंगे, नहीं तो फिर हम अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करते हैं, तब तक मुंह धो के फ्रेश हो जाते हैं। और तो हम वीडियो यहीं पे करेंगे हम एंड। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता है तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ जितने नए सब्सक्राइबर होंगे। तो यहाँ पे आ गए भूतनी भूतना, ये दोनों लोग, ये लोग अभी तक सोए नहीं है, तो चलते हैं अभी इनको फ्रेश करते हैं। ये तो खेल नहीं, इनको फ्रेश नहीं किया, क्रीम नहीं लगा बाबू को। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो। तो इनको चलते हैं अभी फ्रेश कर देते हैं, उसके बाद हम फ्रेश होंगे। तो क्या बताएं, इतना काम रहता है ना। मैंगो नहीं खाया तुम लोग, काट के दू दो, मैं कट करके दूंगी। तो आप देख सकते हैं इतने सारे मैंगो आए हैं, मतलब एक पेटी। और ये लोग क्या करते हैं, खाते ही नहीं गैस। तो मुझे लगता है एक ही निकला हुआ है इसमें से, हैं? तो गैस देख सकते हैं पूरा इतना सारा आम था इस पेटी में। और हम हमको लगता है दो दर्जन रहा होगा ना, हम लोग ने आधा खा लिया, आधा नहीं काकी दो खाई हो, दो दर्जन ये आम है। और इसको हम चलते हैं धुल के पहले दो चार लोग को ले काट के दे देते हैं, है ना। नाना गुनगुन में खाएगी जब कुछ क्या, तो चार तीन चार काट लेते हैं और दे देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, हमारे नए सब्सक्राइबर जितने हैं ना, जितने नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो हम इसको धुल दिए हैं, जा रहे हैं अब इसको कट करने। तो यहाँ पे हम इसको काट लेते हैं, फिर सबको देख सकते हैं कितना फ्रेश है आम। तो पूरा हम पेट लगा लेते हैं, दिखाते हैं आपको। तो गैस हम आम काट लिए और दे देते हैं इनको, ये लेके जाएंगे अपना, जो जो खाएंगे खाएंगे। तो बस दो दो